हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से जाके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेट 2020 के मैकेनिकल इंजीनियर के सेशन 2 के क्वेश्चंस, ठीक है, एप्टीट्यूड के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि व्हाइल agree his proposal, this time I don't often dash him, ठीक है। तो यहाँ पे agree to his proposal and agree with him, ठीक है। यहाँ पे proposal या decision है तो यहाँ पे to आएगा, कोई भी person की बात कर रहे हैं तो with। Next question, the recent measure to improve the output would dash the level of production to our satisfaction, हाँ, जो हमने recent measure लिए हैं output improve करने के, वो क्या करेगा? Obviously increase the level of production to our satisfaction, ठीक है। Select the word that fits the analogy, white whitening, light का आएगा lightening, ठीक है। ये जो ये verb होगी दोनों whitening और lightening, ये जो है A option में, ये lightening कौन सी है? जो आसमान में जो बिजली कड़कती है वो वाली lightening है, ठीक है। Next question है कि in one of the greatest innings ever seen in 142 years of test cricket, test history, Ben Stokes upped the tempo in a 5.5 hour long stay of 219 balls including 11 fours and 8 sixes that saw him finish on 135 not out as England square the 5 match series. Based on their connotations in the passage, which one of the following meanings doesn't match? कौन से जो मैच नहीं कर रहे? अब है इंक्रीज, देखो यहाँ पे अब द टेम्पो, अब द टेम्पो, देखो अब इंक्रीज, टेम्पो मीन्स एंथुसियाज्म, ये बिल्कुल सही है कि बेन स्टोक ने किसका इंक्रीज कर दिया? एंथुसियाज्म, ठीक है। ये दोनों तो सही है। सौ मतलब रिजल्टेंट, ये देखो इंक्लूडिंग 11 फोर्स 8 सिक्स दैट सो हिम फिनिश, तो रिजल्ट मतलब ये भी कि इस वजह से रिजल्ट में क्या हो गया, resulted in 135 not out. और गलत क्या है? Squared is equal loss. Squared का मतलब होता है equal कर देना, ठीक है? Next question है, there are five levels P Q R S T in the linear supply chain before the product reaches the customer as shown in the figure. At each of the five levels, price of the product is increased by 25%. If product is produced at level P at the cost of 120 per unit, what is the price paid by the customer? ठीक है, तो हर जगह 25% बढ़ जैसे P में produce हुआ 120 का cost, तो 25% बढ़ के क्यों? फिर 25% plus, फिर इसका 25% बढ़ता जा रहा है, जैसे compounding हो रही है, ठीक है? कि suppose करो जैसे P में 120 का है, तो 120 का 25% कितना हो जाएगा? 30 रुपीज बढ़ गया, मतलब क्यों में हो गया आपको 150, अब 150 का 25%, ठीक है। तो इस वजह से कंपाउंडिंग हो रही है, तो कितने बार लगा 25%? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। अब टोटल जो उसको कस्टमर को कितना मिलेगा, वो हो जाएगा 120, 1 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाते हैं हम फॉर्मूला वैसे की पावर 5, ठीक है, 120 इंटू 1.25 की 5 पावर 5, 1.25 की पावर 5 इंटू 120, ये आ जाएगा 366.21, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज एंड रेसिलियंस डील विद टू एस्पेक्ट्स, रिडक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है उनका रिडक्शन करें हम, एंड रिडक्शन वल्नरेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट, वल्नरेबिलिटी होती है मतलब कमजोर दुर्बल, तो जो क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट है उसको हम वो दूर करें, उसकी वल्नरेबिलिटी। द टर्म्स मिटिगेशन एंड एडप्शन आर यूज टू रेफर ऑफ दीज एस्पेक्ट, मतलब जो पहला पॉइंट लिखा है ये मिटिगेशन से हम रेफर कर रहे हैं, जो दूसरा पॉइंट लिखा है हम एडप्टेशन से रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ए पॉइंट है, मिटिगेशन डील्स विद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, गलत, ये किससे डील करता है? रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो
ऑप्शन ए गलत हो गया. ऑप्शन बी एडप्शन किसके बारे में बात करता है, एडप्शन डील विद कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये भी गलत है, ये इसके बारे में बात करता है. ठीक है, यहाँ पे कहीं कॉज की बात नहीं. ऑप्शन सी मिटिगेशन डील्स विद द एक्शंस टेकन टू रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये सही है, यही तो बात की है, रिडक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो ऑप्शन सी करेक्ट है. ऑप्शन डी भी चेक कर सकते हो, एडप्शन में एक्शन टेकन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द फॉलोइंग फिगर, टी एन एच एक्स 519. तो सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करते हैं, ए बी सी लिख लो सबसे पहले. ठीक है, हमारे पास बिल्कुल सेंटर में है एन. ठीक है, एन टी और एच में रिलेशन देखते हो, एच ए रहा, टी कहां पे, यहां ये रहा. देखो एच एक दो तीन चार पांच, एच और एन के बीच में पांच लेटर, वन टू थ्री फोर फाइव, इसके बीच में पांच है, मतलब एच के पांच बाद एन आता है. ठीक है, और एच जो एन और टी के बीच में पांच है, ये फाइव लिखा हो. सिंपली देखो एन और एक्स के बीच में चेक करो, नाइन होने चाहिए. एक्स कहां पे है, यहाँ. ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. ठीक है, सही है. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई एन से पहले नंबर जिसका उनके बीच में फाइव लेटर्स होना चाहिए, लेटर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 52 मेन कैन कंप्लीट ए स्ट्रिप इन ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे कनेक्टिंग सिटीज पी एंड क्यू इन 10 डेज, है ना, 10 दिन में काम खत्म कर देंगे वो. ड्यू टू इमरजेंसी 12 मेन वर सेंट टू अनदर प्रोजेक्ट, हाउ मेनी डेज ऑफ मोर देन द ओरिजिनल एस्टिमेट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्ट्रिप, है ना. इसमें ये चीज मेंशन है, मोर देन द ओरिजिनल, कितने दिन और ज्यादा लगेंगे, ये चीज पूछी है उन्होंने. तो पहले क्या है, 52 मैन थे, 10 दिन में काम कर रहे थे ना, अब 12 लोग छोड़ के चले गए, 40 लोग ही बचे हैं, तो ऑब्वियसली टोटल दिन तो ज्यादा लगेंगे क्योंकि लोग कम हो गए हैं. तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मैन डेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कि 52 मैन इनटू 10 और 40 मैन इनटू नंबर ऑफ डेज, है ना. तो यहां से डी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 52 इनटू 10 डिवाइड बाय 40 30, तो 13 दिन लगेंगे बाद में अगर 40 लोग काम कर रहे हैं सेम काम. तो इन्होंने पूछा है मोर देन ओरिजिनल एस्टिमेट, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज मोर देन ओरिजिनल एस्टिमेट. हमने एस्टिमेट किया था 10 दिन, बट अब 13 डेज लग रहे हैं, तो कितने दिन ज्यादा हो गए, ऑप्शन ए. ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती होने के क्या चांस है, 13 लिखा हुआ है, मोस्टली चांस हो सकता है, मे बी मोस्ट लोगों ने किया भी होगा, 13 लगा देंगे. ठीक है, तो ये चीजों से बचने के लिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है पूरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजीनियर मेजर थ्री क्वांटिटीज एक्स वाई जेड इन एन एक्सपेरिमेंट, शी फाइंड्स दैट दे फॉलो हिज रिलेशनशिप दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर बिलो, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लीनियरली वेरी विद जेड, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, इट मींस क्या है, एक्स वाई जो है वेरी कर रहा है जेड से, तो कोई कॉन्स्टेंट होगा के, एक्स वाई इज इक्वल टू के जेड, जेड कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, For fixed z, x is proportional to y. अगर हम z को fix कर दें, z भी एक constant है, तो x is proportional to y, x is equal to k z divided by y. ये constant है कोई? तो inversely proportional हो गया ना, ये तो गलत हो गया option. मतलब यही option सही है. False पूछा ना उन्होंने. Option B का अगर मैं बात करूँ, अगर हम y को fix कर दें, है ना, y को fix कर दूँ मैं, option A. ठीक है. B में क्या है? अगर मैं y को fix कर दूँ, x is proportional to z, x is equal to k by z. अब क्या है? ये constant है कोई? Yes. X जो है z के proportional है, सही बात है. Similarly, इन्होंने क्या बोला है कि अगर x को fix कर दें हम, तो z y के proportional हो जाएगा. तो x को अगर मैंने fix कर दिया, तो suppose करो z is equal to x by k y. तो yes, ये कोई constant हो गया. Z y के proportional हो गया, सही तो है.
और x अपॉन एक्स वाई बाय जेड कॉन्स्टेंट, यस हमने वही तो माना k को कॉन्स्टेंट है, ये k के इक्वल आ जाएगा, ये भी सही है, ओनली a फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाई चार्ट्स आर गिवन बिलो, शोज द डेटा ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एंड ओनली गर्ल्स रजिस्टर इन द डिफरेंट स्ट्रीम इन ए यूनिवर्सिटी. If total number of students registered in a university is 5000, total students हैं 5000, ठीक है? ये जो हमें पहला pie chart बताया जो percentage of student अलग-अलग branches में, and the total number of registered girls is 1500, 1500 है लड़कियाँ, और ये हमें बताया कि girls कितने-कितने percent हैं किसी भी arts, management, science में, then ratio of boys of enrolled in arts to the girls and enrolled in management. ठीक है, सबसे पहले arts की बात करें, arts में total students कितने हैं, 20%, तो 5000 का 20% हो गया 1000, total student है 1000, और arts में girls कितनी है, 1500 का 30%, यानी कि 450, ठीक है, तो ये total students हैं, ये girls हैं, तो हमें क्या पूछा है, boys in arts, तो boys in arts कितने हो गए, 1000 माइनस 450 यानी कि 550, ठीक है. सिमिलरली गर्ल्स इन मैनेजमेंट वो 15% है, तो 1500 का 15% 225, तो ये आ गया 225, इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, 550 डिवाइड बाय 225, 5 से कैंसिल करेंगे 110, ये हो जाएगा 45, फिर 5 से करेंगे 22, ये हो जाएगा 9, 22 बाय 22 रेशो 9, ठीक है. तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर देना, और अगर कुछ सीखा हो वीडियो से प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.